हे गाइस, अभी मैं हूँ एलेस्टोर के रेड फार्म पे और अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारी एक्सपी जो है कलेक्ट कर लिया है। मेरे को कुछ इन्चेंटमेंट्स करने हैं तो अभी मेरा काम यहाँ पे हो चुका है और आप देख सकते हो मेरे पास 51 एक्सपी हो चुकी है। और पहले मैं इसे बंद कर दूँ, ये बहुत शोर कर रहा है। खैर, आप लोगों को साउंड आ नहीं रही होगी इसकी, बट मुझे बहुत आ रही है। ओके, सो अभी मेरे को कुछ इन्चेंटमेंट्स करने हैं, जो कि ये है वो इन्चेंटमेंट्स जो कि एलेस्ट्रॉइड के कुछ ट्राइडेंट के इन्चेंटमेंट्स है और इसने मेरी शॉप में ये लिखा था बुक एंड क्विल में। तो मेरे को आज में ये कंप्लीट करना है क्योंकि 2 दिन से ये लिखा हुआ है और मैंने कंप्लीट किया भी नहीं है। सो आज फटाफट से मैं जितने भी मेरे पे ऑफ़र आए हैं ये सब मैं कंप्लीट करके अपने जो है इन्चेंटमेंट बुक की जो शॉप है उस पर थोड़ी जो प्राइस है वो थोड़े कम कर दूँ। तो फटाफट से पहले वो तो बाद की बात है, पहले हम देख लें हमारे पास इस ट्राइडेंट के लिए कौन कौन से इन्चेंटमेंट्स अभी हैं और कौन कौन से इन्चेंटमेंट्स हमें अभी करने हैं। और उसके लिए पहले मेरे को देख लूँ मैं, यहाँ पे चैनलिंग है ये नहीं चाहिए। ओके, रेप्टाइड 2 है जो कि हमें 3 चाहिए, चलो इसे ले लेते हैं। ओके, ये ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम उसे अनब्रेकिंग देंगे, अनब्रेकिंग के साथ सॉरी लॉयलिटी देंगे। और लॉयलिटी से सही रहेगा क्योंकि देखो रेप्टाइड तो मैं उसे बाद में भी दे दूँगा, फ्री में दे दूँगा, रेप्टाइड की तो कोई कमी नहीं है, रेप्टाइड मेरे पे हो जाएगी बड़ी ईजीली। लॉयलिटी उसे दे देते हैं हम फ्री में नहीं सॉरी इसमें प्राइस के साथ। तो पहले मैं देख लेता हूँ अभी कौन कौन से इन्चेंटमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। और इम्पेलिंग उसने मांगी है और इम्पेलिंग मेरे पास एक भी नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ इम्पेलिंग मेरे को मिल जाए। सो ओके, ओ भाई इसे कहते हैं किस्मत। सो इम्पेलिंग 5 के साथ चैनलिंग 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो इम्पेलिंग 5 आ गई हमारे पास और अभी इसमें देखते हैं लॉयलिटी थ्री ही ले लेते हैं, रख लेंगे आगे काम आएगा। ओके, सिर्फ लॉयलिटी 3 आया है। ओके, इसमें देखते हैं पहले ये हटा लूँ मैं लजुली। ओके, रेप्टाइड 3 भी आ गया, रेप्टाइड 3 तो खैर लग नहीं पाएगा क्योंकि लॉयलिटी है, बट फिर भी हम इंचेंट कर लेते हैं आगे काम आ जाएगा। यही वाला ट्राइडेंट दे देंगे हमारे स्ट्रॉइड को। ओके, सो एक मिनट, शायद मेरे पास बुक भी है, मेंडिंग में चाहिए ना, क्योंकि मेंडिंग की बुक शायद है मेरे पास। ओके, नहीं है, यहीं रखी थी लास्ट टाइम जो कि मैंने शायद फैपकैन को दे दी थी। सो कोई बात नहीं, मेंडिंग मेरे को ट्रेड करके लानी पड़ेगी अपने विलेजर से। और चलते हैं फटाफट से ट्रेड भी करते हैं। पहले मैं ये ट्राइडेंट में बाकी के इन्चेंटमेंट्स लगा लूँ, तो ये तो अलग रखो, ये नहीं लगेगा। ओके, ये लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, किधर गया, ये रहा अनब्रेकिंग 3, लॉयल्टी 3। सो 9 कॉस्ट ले रहा है तो ले लेते हैं इसे। ओके, दोनों में 9 कॉस्ट ले रहा है, चाहे अदले बदली कर लो। ओके, तो ये ले लेते हैं, इसमें रीनेम हम बाद में कर देंगे, इसका एलेस्ट्रॉइड नाम रख देंगे। ओके, अभी हमें बस मैंडिंग लगानी है इसमें और कंप्लीट रेप्टाइड क्योंकि लग नहीं सकती अब। तो फटाफट से अब हम पहले देख लेते हैं बुक, क्योंकि ट्रेडिंग करेंगे विलेजर से तो बुक भी चाहिएगी और बुक मेरे पास नहीं है एक भी। सो एमरल्ड्स ले लेते हैं थोड़े से और बुक चाहिएगी, तो उसके लिए लेदर और पेपर ले लेते हैं क्योंकि बिना बुक के वो भी नहीं देंगे। ओके, यहाँ थे लेदर, सॉरी ऊपर वाले में है ना लेदर। ओके, ये भी 41 लेदर है, तो हमें एक ही बुक, दो बुक ले लेंगे, दो लेदर रख लेते हैं, तो दो बुक बना लेंगे, दो मेंडिंग ले लेंगे, ले सकेंगे तो। और इधर से ले लेता हूँ मैं पेपर। ओके, फटाफट से अंदर चलो, कूल यार। और 9 पेपर हैं, यही ले लेता हूँ बस, या 64 ले लेता हूँ, जितनी बुक्स बनेंगी अपनी थोड़ी बहुत बना लेंगे। वैसे ज़्यादा बुक्स एडवांस में बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेदर अपनी बचा के रखेंगे। ओके, तो ये क्यों खुल गया। ओके, सो 24 बुक्स बनेंगे हमें, बस दो ही ले लेते हैं, दो ही बहुत है, तीन बहुत है, चलो तीन ले लेते हैं। और अभी चलते हैं फटाफट से अपने विलेजर्स के पास। ओके, सो यहाँ ये आदमी हमें दे रहा है मेंडिंग, तो 1 2, सो ओके, दो ही बुक्स मिलेगी तो दो ही ले लेते हैं, बाकी हम बाद में भी ले सकते हैं। और अभी देखो ट्रेड ही बंद कर दी इसने, खैर छोड़ो। सो दो हमें वैसे एक ही बुक चाहिए थी और एक हम रखेंगे बचा के, आगे कोई काम आ जाएगी। सो अभी चलते हैं फटाफट से और इसे भी इंचेंट करके, मतलब इसे भी लगा के अपने ट्राइडेंट पे और चलते हैं एलेस्ट्रॉइड को देने। और एक मिनट, मैं ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा। ओके, अब चढ़ गया, पता नहीं क्या बटन ही प्रेस हो रहा था मेरे से जंप वाला। ओके, सो अब सही है। और अब हमें इंचेंट करना है अपना ट्राइडेंट और फटाफट से देखेंगे एलेस्ट्रेट को। और ये देखो गाइज, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पॉकेट एडिशन में ये वाली वीडियो, क्योंकि आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि
पॉकेट एडिशन भी खेलो, पॉकेट एडिशन भी खेलो। तो इसलिए मैं पॉकेट एडिशन में खेल रहा हूँ ये, और विंडोज़ वाली मैंने रिकॉर्ड नहीं करी अभी। ओके, ये था हमारा ट्राइडेंट, और इसमें हमें मिलाना है ये मैंडिंग। ओके, और तीन कोस्ट में ये मिल गई हमें ओपी ट्राइडेंट, और रीनेम अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैं दूसरा कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि प्रॉब्लम देगा ऐसे नेम देने में। तो अभी यही नाम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, सही है। सो ओके, अभी हम देखे आते हैं इसे एलेस्ट्रॉइड को। कूल, तो फटाफट से चलते हैं अपने शॉपिंग एरिया पे, क्योंकि वहीं रख देंगे, अपने आप ले लेगा एलेस्ट्रॉइड वहाँ से। तो फटाफट से चलते हैं शॉपिंग एरिया पे। सो ऑलराइट, अभी हम आ चुके हैं अपने शॉपिंग एरिया पे, और यहाँ पे देखो काफ़ी शॉप्स बन चुकी हैं, और ये रही मेरी ट्राइडेंट वाली शॉप। और अभी जाके देखते हैं किसी ने अपने ट्राइडेंट या अपने डायमंड्स यहाँ पे रखे जिनको मैंने दिया था ट्राइडेंट। ओके, ये किवाड़ बंद नहीं हो रहा, हो गया। और यहाँ पे पहले तो पेमेंट देखते हैं। ओके, 8 डायमंड्स, गुड। ये मेरे ख्याल से डीजे की है 100%, क्योंकि डीजे को ही देने दे 8 डायमंड्स, और यहाँ पे किसी ने नहीं खरीदा। ओके कूल, टैकोमैन ने हो गया, डीजे का हो गया, असैसिन का हो गया। तो एलेस्ट्रॉइड का ही ट्राइडेंट था, और ये भी फ़िलहाल हमारा रेडी हो गया, तो इसे हम दे देंगे, बाद में देंगे, अभी अपने पास ही रखते हैं। एलेस्ट्रॉइड को अभी ज़रूरत भी नहीं है, जब मांगेगा दे देंगे। सो इसे हम बाद में एडिट कर देंगे, और एलेस्ट्रॉइड का यहाँ पे नाम लिख देंगे। सो ये परचेज़ के लिए हम लिखते हैं ताकि पता चलिए, क्योंकि पॉइंट्स वाला गेम हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, उसमें आगे काम आएगा, हमारे लोग देख सकते हैं हम। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम रॉकेट ख़रीदते हैं, क्योंकि मेरे पास देखो ये 6 ही रॉकेट बच रहे हैं बस, तो रॉकेट ही ख़रीदते हैं, वही सही रहेगा। ओके, तो हमने हमारे पास तो मेंबरशिप भी है तो फ़ायदा रहेगा। सो पहले यही वाले रॉकेट ख़रीद लेते हैं, ड्यूरेशन 2 के क्या करेंगे। तो हमें 2 स्टैक मिलेंगे 1 डायमंड के, और ये हैं ड्यूरेशन 2 वाले, जो कि मिलेगा 1 स्टैक 1 डायमंड का। तो हम यही लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भी दूर भी नहीं जाना होता हमें सब बूस्ट के लिए रॉकेट चाहिएगा। सो ये ले लेते हैं 2 स्टैक, और रख देंगे अपना 1 डायमंड यहाँ पे। कूल, सो पेमेंट डन, रॉकेट भी ले लिए। सो फटाफट से अब चलते हैं उड़ के अपने बेस की ओर, और अभी मैं जाने वाला हूँ खैर अपने न्यू बेस की तरफ, क्योंकि मेरे को कुछ दिखाना है और कुछ बताना भी आपको अपने नए बेस के बारे में। तो अभी फटाफट से उड़ता हूँ मैं, और ये देखो गाइस, ये फ़ोन में से मैं उड़ रहा हूँ लैंड पे से। तो काफ़ी लोगों ने पूछा ये उड़ते कैसे पॉकेट एडिशन में, अपने मतलब मोबाइल से लैंड पे खड़े खड़े ऐसे ज़मीन पे से कैसे उड़ते हैं। तो इसका मैं मतलब छोटा सा ट्यूटोरियल है, मैं अभी तो नहीं दे सकता, उसके लिए मेरे को ऑन स्क्रीन की वीडियो बना के देनी पड़ेगी आपको, मतलब ऐसा समझाऊंगा तो नहीं समझ आएगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिट कर दूंगा थोड़ी सी छोटी सी वीडियो, तो अभी तो नहीं दे पाऊंगा। सो ये देखो गाइस, ये है वो मेरा नया बेस, जो कि बिल्कुल मतलब मैं भूल गया बना के, इसे कुछ काम ही नहीं कर पा रहा मैं इस पर। तो अभी मैं बताने वाला आपको कि मैं इस पर क्यों काम नहीं कर पा रहा, और कैसा बेस हम बनाने वाले हैं, और क्या क्या होगा, मतलब इसके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी अभी बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो गाइस, मैंने जो बेस सोचा था यहाँ पे बनाने को, वो नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। और पहले इस हस्क को नहीं मारते, पहले ऊपर चलते हैं, पोजीशन लेके बैठ जाएंगे हम लोग। ओके, अब बात करेंगे। सो देखो गाइस, बात क्या थी, मैंने जो बेस सोचा था कि हम बनाएंगे यहाँ पे, वो बेस नहीं बन पा रहा इस एरिया में। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई डिज़ाइन है ऐसा सर्कल में किसी बेस का, कोई अच्छा सा डिज़ाइन होगा आपके पास, तो प्लीज़ मेरे को शेयर करना इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। सो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM में मेरे को ज़रूर भेजना अपनी फ़ोटोज़ कुछ बिल्ड्स की, जो मैं बना सकूँगा अपने यहाँ पे बॉन्ड में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस टाइप का बिल्ड बनाऊँ अपना, किस कैसा बेस बनाऊँ। तो थोड़े से डिज़ाइन आप लोग भेजोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और इस पर मैं बहुत जल्द वर्क करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पर ही वर्क करूँगा, क्योंकि हमें मतलब बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस पर हमें काम करना ही करना है, और इसके बारे में हम भूल ही गए थे अपने शॉप्स को लेकर। तो अभी ज़्यादा लोग ऑनलाइन है नहीं, और फटाफट से हम लोग बेस अभी भी बना सकते हैं, बट अभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे और भी, और खैर इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बट मेरे को आप लोग भेज देना याद से। DGA 5 Mending Books। सो ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर है, ये बंदा इसकी भी बुक्स की शॉप है, इंचेंटेड बुक्स की, मतलब अनऑफिशियल शॉप है, कोई इसने यहाँ पर नहीं बना रखी है वो शॉप। और इस बंदे ने मेरे से बुक मांगी है, मेरे ख्याल से ये स्टॉक का काम कर रहा है, मेरे से सस्ते में ख़रीद के आगे महंगे में बेचेगा। सो कोई नहीं, हम भी 5 डायमंड्स की एक बुक है तो ठीक है हमारे हिसाब से, और इसने 5 बुक मांगी है, यानी कि
25 डायमंड्स, ओ वाओ, तो मज़ा आएगा डीजे को लूटने में। खैर लूटना नहीं, एक्चुअल प्राइज़ है ये, इसको लूटना नहीं कहेंगे। सो कोई नहीं, अभी तो खैर हम एंडिंग सो जो है ले नहीं सकते अपने विलेजर से, क्योंकि ये अपने विलेजर की अभी हम एंडिंग लेके आए थे उससे, तो अभी तो वो बेचेगा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे को अपना यहाँ पे इंचेंटेड बुक्स की जो शॉप है ना, इसको थोड़ा सा लाइट अप करना है, क्योंकि रात को बिल्कुल दिखती ही नहीं ये। तो उसके लिए मेरे को चाहिए सी लैंटर्न, और ये जो पेज है ना इसके बुक्स वाले, ये जो वाइट कलर के पेजेस हैं यहाँ पे, इन सभी पेजेस की जगह मैं लगाने वाला हूँ सी लैंटर्न, ताकि थोड़ी सी चमक रहे। और सी लैंटर्न की शॉप जस्ट मेरी बुक्स के अपोजिट है, वो रही सामने। यह है सॉफ्ट साइलेंट की, क्या कहते हैं उसे, प्रिज्मराइन शॉप कह सकते हो, और जो भी ओशन ओशन में मिलता है सामान, ओशन मोनूमेंट वाली शॉप वो है ये। तो काफ़ी बढ़िया बनाई है शॉप, और अभी देख के आते हैं कि प्रिज्मराइन जो प्रिज्मराइन कह रहा हूँ, सॉरी, सी लैंटन यहाँ पे हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, परसों मैंने देखा था, परसों तो नहीं था, और मेरे ख्याल से अभी भी नहीं है, दो ही आइटम लग रहे हैं बस। ओके, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, सो अभी स्टॉक में नहीं है सी लंडन, तो अभी हम क्या करें, इधर भी नहीं है, उस साइड तो नहीं है। ओके, सो कोई बात नहीं, सी लंडन तो हमें नहीं मिला यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, अभी हम एक काम करते हैं, हम अपने टॉर्चेस से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि देखो रात को बहुत अंधेरा होता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैंने दूर खड़ा होकर देखा, मेरे को अपने बुक ही दिख ही नहीं रही थी, आधी बुक दिख रही थी, बस नीचे नीचे का हिस्सा दिख रहा था बुक का, पेजेस वाला जो वाइट वाइट है, ऊपर का दिख ही नहीं रहा था। सो अभी हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, टॉर्चेस से लाइट अप करते हैं अपनी बुक को, वही सही रहेगा। और अभी बहुत सारी टॉर्चेस की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगा लेंगे, और टेम्पररी टॉर्चेस होने वाली हैं, और अभी मेरे पास कोई ब्लॉक भी नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, तो देखता हूँ मेरी अंडर चेस्ट में कोई ब्लॉक्स हो तो वो यूज़ कर लेंगे, डायमंड ब्लॉक्स के अलावा और कुछ तो होंगे नहीं। खैर ओके, चलो एमरल्ड ब्लॉक्स मिल गए, और ये क्या है, आयरन ब्लॉक्स, नहीं आयरन यूज़ नहीं करेंगे, एक काम करते हैं एमरल्ड्स ब्लॉक यूज़ करते हैं, कोई देखेगा भी तो यूँ सोचे ना भैया अमीर लोग काम कर रहे हैं। सो कोई नहीं, चलता है इतना तो, और अभी कोई आ भी नहीं रहा यहाँ पे, तो फटाफट से हम लोग अभी लाइट अप कर देते हैं अपनी बुक को। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मैंने जो है टॉर्चेस लगा दी, बट अभी थोड़ी सी अगली लगेगी बुक देखने में, बट फिर भी अभी ये टेम्पररी है, जब सी लैंटर्न स्टॉक में आ जाएंगे तब हम परचेस करके सी लैंटर्न का यूज़ कर लेंगे। और अभी हम देखते हैं दूर से कैसा लग रहा है, हाँ ठीक ही है, मतलब रात को पता चलेगा, बाकी तो, और यहाँ पे थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगा दूँ। ओके अभी हाँ ठीक है, और इधर भी एक टॉर्चेस लगा ही दूँ, यहाँ कम पड़ रही है। ओके हाँ अभी ठीक है, बाकी रात को एक बार देखेंगे हम लोग, ठीक लगेगा, और सही है अभी जुगाड़ के लिए, सही है अपना थोड़ा बहुत टेम्प्रेरी टाइम के लिए। बाकी अभी हम क्या करना है अभी, हाँ देखो गाइस, आप लोगों के Q&A जो लास्ट एपिसोड में रह गए थे, उसके हम क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं अभी, तो स्टार्ट करते हैं Q&A अपना। सो अब बारी आती है हमारे पेंडिंग Q&A की, जो जिसके आंसर जिनमें से कुछ हो के आंसर मैंने अपने लास्ट बॉन्ड की वीडियो में दिए थे। सो अगर आपके आपका क्वेश्चन कोई मिसिंग है इस वीडियो में, तो आप लोग जाके पहले वाली वीडियो देख सकते हो, और स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, मतलब लास्ट क्वेश्चन था भावना बिश्नोई का, और इसका आंसर मैंने दे दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी वोल्ट 18 गेमिंग का, इन्होंने पूछा है, मुझे जानना है कि आप कौन सा टेक्सचर पैक यूज़ कर रहे हो आपने बॉन्ड में, बॉन्ड की सीरीज़ के लिए, प्लीज़ नाम बता दो या लिंक दे दो। देखो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया, इससे प्रीवियस वाली, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड बटन में मिल जाएगा, तो जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो का डाउनलोड लिंक वीडियो के एंड में मिलेगा आपको, सो वीडियो पूरी देखना, और वीडियो के एंड में ऑन स्क्रीन ही मिलेगा आपको यूट्यूब पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमिंग विद भाई का, इन्होंने पूछा है आपके भाई का नाम क्या है, प्लीज़ टेल मी, आपका कोई भाई है क्या? हाँ भाई, हम तीन भाई हैं, जिनमें से मेरा मतलब बराबर वाला जो भाई है उसका नाम है उत्तम, और मेरे बड़े भाई है उनका नाम है वैभव। सो लोल, बस यही क्वेश्चन है मेरा, आई होप आंसर जो मैं सोच रहा हूँ वो ही आएगा। ओ लोल, साथ तक मैं समझ गया। सो ओके हाँ भाई, तुम सभी मेरे भाई हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट गेमिंग का, इन्होंने पूछा भाई डिस्कॉर्ड पर कब ऑनलाइन आते हो?
देखो डिस्कॉर्ड पे मैं मोस्टली रेगुलर ऑनलाइन रहता हूँ, बट अपने सर्वर पे नहीं, मैं बॉन्ड एसएमपी के सर्वर पे आपको मिलूंगा। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या पूछना है या कुछ भी, आप अगर वॉइस में ही बात करना चाहते हो मुझसे, तो बॉन्ड एसएमपी का डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना, और अगर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना, लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो जाके ज्वाइन कर लेना। और बेस्ट गेमिंग का एक और क्वेश्चन है कि भाई, एक क्वेश्चन और कि बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ कि मिनी बॉन्ड का सर्वर कहाँ से बनाया था, एंड जो शल्कर लगे वो कैसे लग किया। देखो मिनी बॉन्ड का सर्वर मैंने माइनहब से बनाया था, और अगर आपको जानना है कि माइनहब से सर्वर कैसे बनाते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ऊपर कार्ड बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और शल्कर वाला प्रोसेस वो डीजे ने किया था, उसके वो कमांड ब्लॉक का कुछ था लोचा, मुझे नहीं आता वो सब। जाके आप डीजे से पूछ सकते हो, बॉन्ड एसएमपी के डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल सिंह का, ये पूछ रहे हैं कि कहाँ रहते हो भाई। मैं दिल्ली में रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड गेमर का, इन्होंने पूछा है भाई कौन सा कनेक्ट ग्लास शेडर है प्लीज़ बताओ। उसके लिए मैंने इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, इससे पिछले वाली वीडियो, तो आप जाके देख सकते हो, डाउनलोड लिंक आपको लास्ट में मिलेगा वीडियो के, तो वीडियो पूरी देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीतम दास का, इन्होंने पूछा है भाई फेस रिवील कब करोगे। फेस रिवील देखो भाई, मैं कब का कर देता बट मेरे पास कोई वेबकैम नहीं है ढंग का, इसलिए मैं फेस रिवील नहीं कर पाऊंगा अभी, तो सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भावी थवानी का, इन्होंने पूछा है भाई आप एडवेंचर क्राफ्ट की वीडियो कब डालोगे। एडवेंचर क्राफ्ट की वीडियो देखो मैं अभी नहीं डाल सकता, वो सीरीज़ अब बंद हो चुकी है, वो बताता हूँ क्यों हुई। तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू डाउनलोड एडवेंचर क्राफ्ट इन योर डिवाइस, और जो भी है मतलब आप अपने एडवेंचर क्राफ्ट सीरीज़ कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो वो वीडियो बनाते टाइम जो मैं एडोन्स यूज़ कर रहा था, तो वो सारे मिक्स मैच हो गए, उल्टे सीधे एडोन, जो एडोन मेरे थे वो डिलीट हो गए, जो एक्स्ट्रा थे वो लग गए, पता नहीं क्या हो, कुछ हो गया और वो पूरा वर्ल्ड मेरा बिगड़ गया, इसलिए मेरे को डिलीट करना पड़ा। तो अभी एडवेंचर क्राफ्ट की सीरीज़ बंद कर दी मैंने, तो सॉरी उसकी वीडियो नहीं आएगी। और इन्हीं का एक और क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक हनी फार्म ऑटोमेटिक। सो ऑटोमेटिक हनी फार्म तो पता नहीं, शायद सोचा नहीं, बन भी सकता है बट मुझे पता नहीं इसके ऊपर, बट मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हनी फार्म आप कैसे बना सकते हो, ऊपर कार्ड वाले बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत ईजी है वो फार्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नोवा गेमिंग ने, इन्होंने पूछा है क्या आप बॉन्ड एसएमपी सीजन 2 में आयरन फार्म बनाओगे। देखो आयरन फार्म मैं बिल्कुल बनाऊंगा बट अभी नहीं बनाने वाला, वो मैं आयरन फार्म बनाऊंगा जो इसका माइनक्राफ्ट का नेक्स्ट अपडेट आएगा नेदर अपडेट, उसमें बनाऊंगा, क्योंकि उसमें जो आयरन गोलम के स्पॉन होने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, और उसमें फ़ायदा रहेगा बनाने में, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, बाद में बनाऊंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कुणाल सचदेवा का, इन्होंने पूछा है हाउ टू गेट क्रैकपैक 3 ऑन एंड्रॉयड प्लीज़ आंसर इट, और इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड देन प्लीज़ मेक अ मोड ऑन इट। तो देखो यार, देखो क्रैकपैक 3 बहुत पावरफुल एक कह सकते हो वर्ल्ड है, या पावरफुल उसमें बहुत सारे मोड्स हैं जो कि एंड्रॉयड में सपोर्ट नहीं करेंगे, और एंड्रॉयड के लिए वो इवन बने भी नहीं है, तो अभी तो खैर क्रैकपैक 3 थोड़ा मुश्किल है। बाकी अगर आपको मोडेड सर्वाइवल स्टार्ट करना ही है तो एडवेंचर क्राफ्ट की मेरी वीडियो देख सकते हो, सो एडवेंचर क्राफ्ट भी एक मोडेड सर्वाइवल है, और नहीं तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे मोडेड सर्वाइवल के, आप लोग जाके वो लोग देख सकते हो, और हो सकता है क्रैकपैक 3 का भी कोई एंड्रॉयड का कोई बना दे कोई डेवलपर, अभी मुझे पता नहीं इसके बारे में इतना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है AK47 हिंदुस्तान गेमिंग का, इन्होंने पूछा है ब्रो क्या हम विंडोज़ 10 में माइनक्राफ्ट जावा खेल सकते हैं या विंडोज़ 10 एडिशन ही चलती है। देखो विंडोज़ चाहे कोई सी भी हो, जावा एडिशन सब में चलेगा, सब में, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, 8.1 हो या 10 हो, विंडोज़ कोई सी भी हो जावा एडिशन सब में चलेगा, बट विंडोज़ 10 एडिशन सिर्फ विंडोज़ 10 में ही चलेगा, और विंडोज़ 10 एडिशन में आप दोनों खेल सकते हो, जावा भी विंडोज़ 10 एडिशन भी, दोनों अलग अलग हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत MCPE का, इन्होंने पूछा है थर्ड पर्सन व्यू में सिनेमेटिक शॉट कैसे रिकॉर्ड करते हो लाइक इलस्ट्रेटर, प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर देना। देखो सिनेमेटिक शॉट मैं तो रिकॉर्ड करता नहीं, बट जो टाइम लैप्स मैं बनाता हूँ वो मैं दो अकाउंट यूज़ करके बनाता हूँ, और इसका आंसर मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में दिया था, बॉन्ड एसएमपी की जो लास्ट वीडियो थी, तो जाके आप चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट, सॉरी अगर मैं गलत नाम पढ़ूँ तो, ये ग्रीन इंजा गेमर करके है कोई, इन्होंने पूछा है वेयर इज़ ब्लैक क्ल्यू। तो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया कि ब्लैक क्ल्यू बॉन्ड में है बट वो खेलते क्यों नहीं, क्या आप लोगों ने लिया नहीं ब्लैक क्ल्यू को, ब्लैक क्ल्यू को निकाल तो नहीं दिया ये वो, तो मैं बता देता हूँ। देखो ब्लैक क्ल्यू भी बॉन्ड एसएमपी में है बट उनको मतलब एक साथ अगर आप 4-5 सर्वाइवल खेलो तो आपका मन करेगा सर्वाइवल खेलने का, खुद बताओ, नहीं ना। तो ऐसे ही यार मतलब उनके ऑलरेडी 3 या 4 सीरीज़ चल रही हैं, उसमें सर्वाइव अपना सर्वाइवल खेल रहे हैं,
तो उन्होंने बोला बोल रखा है कि वो यहाँ पे सर्वाइवल नहीं खेलेंगे, बट हाँ बीच बीच में वो आके अपनी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करते हैं, चले जाते हैं। सो अभी वो कब ऑनलाइन आते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ एक दो बार मैंने देखा है उन्हें ऑनलाइन, वो आते रहते हैं बीच बीच में, और वीडियोज़ वो बहुत जल्दी इस पर बनाने वाले हैं। तो जाके आप एक बार उनसे भी पूछ सकते हो कि ताकि मुझे भी पता लग जाए कि वो वीडियो कब बनाएंगे, तो अगर आपको पता चले तो प्लीज़ मुझे बता देना। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोइनुद्दीन सेलिया, सो सॉरी अगर गलत नाम पढूं तो। इन्होंने पूछा व्हाई यू नॉट प्लेइंग पीई। सो देखो मैं बता देता हूं कि मैं मोस्टली विंडोज़ 10 एडिशन ही खेलता हूं और विंडोज़ 10 एडिशन में ही रिकॉर्ड करता हूं, बट ये वाली वीडियो मैंने एंड्रॉयड में खेली और एंड्रॉयड में ही रिकॉर्ड करी है, और हो सकता है मैं आगे की फ्यूचर वीडियोज़ अपनी सारी एंड्रॉयड में ही रिकॉर्ड करूँ। तो मैं मतलब पी ई क्या होता है, पॉकेट एडिशन ही खेला करूँगा आपसे मोस्टली वीडियोज़ में भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव सागर का, और इन्होंने पूछा है मैं एक जावा वाला हूँ, क्या मैं भी बॉन्ड ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं बता देता हूँ, देखो जावा एडिशन बेडरॉक एडिशन से अलग है, जावा एडिशन के सर्वर या रियल बेडरॉक एडिशन में नहीं वर्क करते, और जावा वाला बेडरॉक में नहीं खेल सकता, सॉरी भाई। तो मैं नहीं खेल पाओगे आप बॉन्ड SMP, बट हाँ अगर आपके पास बेडरॉक एडिशन है या पॉकेट एडिशन है तो आप खेल सकते हो, और उसके लिए आपको Season 3 तक का वेट करना पड़ेगा, और तब उसकी भी मैं गारंटी नहीं ले रहा कि आप Season 3 में होंगे या नहीं, वो जबकि जब देखी जाएगी। ओके मेरे ख्याल से क्वेश्चन सारे हो चुके हैं अभी, या सब हो गए। सो क्वेश्चन सभी हो चुके हैं गाइज, और आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आए और काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन थे, और जिन लोगों के मैंने क्वेश्चन नहीं लिए तो सॉरी फॉर दैट, और बहुत से लोगों के यूजलेस क्वेश्चन थे कि टूथपेस्ट में नमक तो नहीं है, मेलोडी चॉकलेटी क्यों है, ये फालतू के क्वेश्चन, मतलब ये इनके मैं आंसर देना रिप्लाई करता नहीं हूँ। तो बस गाइज इतना था इस वीडियो में, और उम्मीद है मैंने सभी के क्वेश्चन कवर कर लिए, और पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर चैनल पर नए हो तो, और मैं मिलूँगा आपसे बॉन्ड SMP की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।